मेरे नाल जुड़े हुए तमाम भैन भरावां बजुर्गों नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं बलजीत कौर संधू स्वागत करती हाँ जी अपनी अज की एक होर डाकूमेंटरी वीडियो विच। अज मैं जिस जगह की जिस पिंड की हिस्टरी तुहाडे तक लैके आई हाँ जी, यह इटली विच जिला पारमा विच पैंदा पिंड कोलोरनो है जी। पारमा जिला दे इस पिंड विच बनिया होया यह एक बहुत ही सोहने तरीके नाल बनाया गया पैलेस है जी। इस बने हुए पैलेस नूं तुसी भी साडे नाल देखो ते जानो कि इस पैलेस दी हिस्टरी की है। अज तुसी भी साडे नाल देखो ते समझो उस जमाने विच बने हुए इस पैलेस दी दिख, इस दी सजावट अजे उसे तरह बरकरार है जिवें कदे उस पुराने जमाने विच सी। यह बिल्डिंग सब तो पहला 1402 विच बनाई गई सी। इस अंदर आने वाले सालों विच बहुत सारे लोगों का राज होया ते इसनू समय के हिसाब मुताबक नवे नवे तरीकों नाल तैयार किया गया। 1449 विच ड्यूक फिलिपो दी बोरबोने नू इस पैलेस का राज मिलिया। फेरदीनांदो दी बोरबोने जो कि फिलिपो का पुत्र सी, उसनू फिलिपो ते उसकी पत्नी ने बचपन विच सब कुछ सिखा दिता सी। उसनू इस तरह की सिक्ख्या दिती गई सी कि आने वाले समय विच ओह प्रजा ते राज कर सके। जदों फेरदीनांदो 11 सालां दे होए ते उन्हां दे पिता फिलिपो दी मौत हो गई। पिता दी मौत तों बाद बहुत जल्दी उन्हां नूं द्यूक बना दिता गया। उस तों कुछ सालां बाद उन्हां दा व्याह कर दिता गया, पर उन्हां दा बचपन तों ध्यान रिलीजन वल सी। ओह बहुत ही धार्मिक ख्यालां दे सी, उन्हां दा ध्यान राज वल नहीं सी। इस करके उन्होंने इस पैलेस अंदर एक प्रे रूम बनवाया। क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक सी, उन्होंने राज विच आके अपने पैलेस के नाल वाली चर्च नूं होर वड्डा बनवाया ते उसका दरवाजा रोड वल कर दिता तां जो कि सारे पिंड दे लोग आके दर्शन कर सकन ते प्रे कर सकन। चर्च के दूजे पासे जो कि पैलेस विच काम करने वाले नौकरां दी रिहायश दा प्रबंध सी, फेरदीनांदो ने उन्हां नूं नौकरां तों खाली करवा के आप रहना शुरू कर दिता तां जो कि उन्हां दा ध्यान परमात्मा वल लगा रहे ते उन्हां दी प्रे विच कोई कमी ना आवे। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। अज असी इस पैलेस विच आ के इथों दा सारा इतिहास सुन के समझ रहे हाँ कि उस समय उन्हां दे किन्ने सोहणे शौक हुंदे होणगे। दीवारां ते छत्तां उपर कीती गई उस जमाने दी इह खूबसूरत पेंटिंग्स किन्ना सोहणा अहसास करवाउंदियां ने। उस जमाने विच रहिंदे होए उन्हां लोकां ने जिन्हां ने इस अंदर बड़े सोहणे तरीके नाल इस अंदर पेंटिंग्स करवाई होवेगी, उन्हां नूं उस टाइम शायद इन्हां गल्लां दा अंदाजा नहीं होवेगा कि एक दिन इस जगह नूं देखण ते जानण लई हर रोज़ लखां लोकां दी भीड़ लगी रहेगी।
इस पैलेस के इतिहास को जानने ते देखने लई हर रोज बहुत सारे लोग आते रहेंगे। तुसी भी अगर पुराना इतिहास हिस्ट्री जानना ते देखना पसंद करते तो एक बार इस पिंड जरूर आना। इत्थे आके सारा कुछ देखना जिवें असी देख रहे हाँ ते एवें महसूस कर रहे हाँ जिवें असी भी उस जमाने विच आ गए होइए। इत्थे आके तुसी सारा कुछ गाइड की मदद नाल समझ सकते हाँ क्योंकि इस पैलेस अंदर गाइड की मदद तो बिना जाना मना है। इस पैलेस अंदर रॉयल फैमिली रहिंदियां सी। इस पैलेस नूं इटली दी वरसाइल नाम दिता गया है क्योंकि इस विच रहण वालिया ने अपने वल्लों इस नूं फ्रांस विच बने हुए वरसाइल वर्गा बनाउण दी कोशिश कीती है। फ्रांस विच भी इवें दा बनिया होया एक आलीशान महल है जिस विच राजे राणियां रिहा करदे सी। पारमा दे इस पैलेस विच 400 तों वध कमरे बने हुए हन जिस विच अनेक बैडरूम, डाइनिंग रूम, मीटिंग रूम ते हथियारां वाले रूम बने हुए सी। वीवीं सदी विच इस अंदर कोई नहीं सी रहिंदा क्योंकि वीवीं सदी तों पहलां यह दुनिया तों जा चुके सन। पारमा सिटी वालों इस जगह पर एक पागलखाना बनाया गया सी जिस अंदर बहुत सारे डॉक्टर ते मेंटली अपसेट दिमाग तो परेशान लोग रहिंदे सी। फिर 1996 विच वह मेंटल हॉस्पिटल नू बंद कर दिता गया ते उस तो बाद इसका जेड़ा भी कोई मुरम्मत का काम बाकी रहिंदा सी वह पारमा दे कमूने वालों तैयार करवाया गया। यह उस जमाने का पैलेस के नाल बनिया होया उही चर्च है जिसका दरवाजा फेरदीनांदो ने रोड वाल बनवाया सी तां जो के सारे पिंड दे लोग आ सकन अपने धर्म ते रब उपर किन्ना विश्वास होवेगा उन्हां नूं उस टाइम। इसे लई उन्हां ने अपना आलीशान पैलेस छड्ड नौकरां दे घर विच रहना शुरू कर दिता सी ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ कि उन्होंने किसी भी महंगी चीज़ का कोई शौक, कोई दिलचस्पी नहीं सी। सिर्फ वह एक सच्चे रब नू प्यार करते सी। उन्होंने अपना शाही रहन सहन, अपनी ऐश परस्ती छड़ के परमात्मा दे घर दा राह चुनिया। इस चर्च दे अंदर यह जो कुछ भी तुहानू नज़र आ रहा है जी, यह उन्होंने अपना सारा पैसा इत्थे लगाया ते किन्नी मेहनत लगन नाल तैयार करवाया। इस जगह दी टिकट तुसी इत्थे आके ले सकते हाँ। इस जगह ते भी बच्चियां नूं पेंटिंग ते हिस्ट्री बारे सीखन लई बहुत वधिया है ते तुहाडे बच्चे इत्थे आके देख के अपने ज्ञान विच होर वाधा कर सकते हैं जी। असी अज इत्थे आके अपने वल्लों यह गल दसना भी जरूरी समझते हाँ कि असी अपनी लाइफ विच उन्ना कुछ पढ़न नाल नहीं सिख्या जिन्ना अज इन्हां सारियां थावां नूं देख के जाणिया ते समझिया है। तुसी भी एक बार इस पैलेस अंदर जरूर अपने बच्चियां अपने परिवारां नाल आउणा, तुहानूं इत्थे आके बहुत वधिया सिखण नूं मिलेगा। यह सी जी एक अमीर रॉयल फैमिली दी हिस्ट्री। उम्मीद करती हाँ तुहानू सब नू साडे नाल इस पिंड विच बने हुए पैलेस बारे जानकारी दी समझ आई होवेगी। तुसी भी इसका पुराना इतिहास साडे नाल समझ सके होगे।
अगर तुहाडे कोल भी कोई नवी जानकारी है तो तुसी सानू कमेंट करके जरूर दसना। हुण असी अपनी अज दी वीडियो दा इत्थे ही एंड करदे हां। मिलदे हां बहुत जल्दी किसी नवे पिंड किसी होर नवी जानकारी नाल। तद तक लई साडे वल्लों आप सब भैन भरावां नू सत श्री अकाल जी।